मध्य प्रदेश के धार जिले के गणपत घाट पर दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। शनिवार सुबह फिर एक कंटेनर का ब्रेक फेल हो गया और वह आगे जा रहे ट्रक से टकरा गया। इसके बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। जानकारी के अनुसार इंदौर की तरफ से आ रहा कंटेनर के ब्रेक फेल होने से कंटेनर अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्राला में जा घुसा। हादसे के बाद तुरंत कंटेनर ने आग पकड़ ली। ग्रामीणों की मदद से ड्राइवर को फटाफट अपने वाहन से बाहर निकाला गया। देखते ही देखते आग बढ़ती चली गई। कंटेनर के बाद ट्राले ने भी पीछे के हिस्से में आग पकड़ ली। धीरे धीरे आग में विकराल रूप धारण कर लिया। करीब 45 मिनट के बाद धामनोद की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, साथ ही महेश्वर की फायर ब्रिगेड भी पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। वहीं नगर परिषद की धामनोद की फायर ब्रिगेड आग बुझा रही थी, तभी एक ट्रक अनियंत्रित होकर फायर ब्रिगेड को जोरदार टक्कर सामने से मार दी, जिसमें नगर परिषद के दो कर्मचारी घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य अस्पताल धामनोद ले जाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। कंटेनर का ब्रेक फेल हुआ है, वो आया तेज गति में, आके फायर को ठोक के निकल गया। स्ट्रिंग पे बैठा हुआ था, जब